गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञानगंगा विद्यालय में हम लोगों का स्वागत है। हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड ऑनलाइन क्लासेस में हैं। आज हम लोग सीखेंगे 29 चैप्टर में से एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द। तो हेडिंग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हेडिंग में क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑपोजिट वर्ड फॉर द गिवेन वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवेन बिलो एंड राइट इन द ब्लैंक्स। तो आपको चूज करना पड़ेगा ऑपोजिट वर्ड जो ब्लैंक्स में दिया गया है। मतलब देखो, जो एक बॉक्स दिया गया है इसमें आंसर लिखा गया है, तो इसमें से सही आंसर चूज करके फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, और आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, ऑपोजिट वर्ड। ओके, जो वर्ड दिया रहेगा बुक्स में उसका ऑपोजिट वर्ड आपको लिखना पड़ेगा। तो बॉक्स में क्या क्या लिखा है, बॉक्स में आंसर में देखो, रिच क्लोज शॉर्ट फिर सैड लॉन्ग लो लॉस्ट बिहाइंड फास्ट डीप फ्रेंड विदाउट लेट बिग बिटर फास्ट ब्रॉड हार्ड नाइट आफ्टर और फुल। तो ये सब उल्टा सीधा करके दिया गया है, आपको सही आंसर ढूंढना पड़ेगा और फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना पड़ेगा। ओके, तो नंबर वन क्या लिखा है, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, और छोटा का ऑपोजिट वर्ड क्या आएगा, लॉन्ग मतलब लंबा। और स्टूडेंट्स आपको स्पेलिंग करके करना है, जितना सारा फिलिंग द ब्लैंक्स आप भरोगे उस सब का आपको स्पेलिंग याद रखना है। ओके, तो शॉर्ट का स्पेलिंग क्या लिखा है, SHORT शॉर्ट, और लॉन्ग का स्पेलिंग LONG। जब आप बुक्स में लिखोगे मुग में स्पेलिंग करके बोल के ही लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, स्मॉल और उसका ऑपोजिट वर्ड आएगा बिग। स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, और इसका ऑपोजिट वर्ड आएगा बिग मतलब बड़ा। तो स्मॉल का स्पेलिंग क्या लिखा है स्टूडेंट्स, SMALL, और बिग का स्पेलिंग क्या आएगा, BIG। क्वेश्चन नंबर थ्री, स्लो, स्लो का ऑपोजिट वर्ड आएगा फास्ट। स्लो मतलब धीरे और फास्ट मतलब तेज, और स्लो का स्पेलिंग क्या है, SLOW स्लो, और फास्ट का स्पेलिंग FAST फास्ट। नेक्स्ट नंबर फोर, नंबर फोर नंबर में देखो क्या लिखा है, नैरो, और उसका ऑपोजिट वर्ड आएगा ब्रॉड। नैरो मतलब संकीर्ण, NARROW नैरो, और ब्रॉड BROAD ब्रॉड। फाइव नंबर, फाइव नंबर में क्या लिखा है, सॉफ्ट मतलब मुलायम। सॉफ्ट का ऑपोजिट वर्ड आएगा हार्ड मतलब कठिन, और सॉफ्ट का स्पेलिंग क्या है, SOFT सॉफ्ट, और हार्ड का स्पेलिंग है HARD हार्ड। सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में क्या लिखा है, सेलो, और उसका ऑपोजिट वर्ड आएगा डीप, और इसका स्पेलिंग क्या है, SHALLOW, और डीप का स्पेलिंग DEEP। सेलो मतलब उथला और डीप मतलब गहरा। सेवन नंबर, स्वीट, स्वीट का ऑपोजिट वर्ड आएगा बीटर। स्वीट मतलब मीठा, और इसका स्पेलिंग क्या है, SWEET, और इसका ऑपोजिट में क्या आता है, कड़वा, तो इसका इंग्लिश क्या है, बीटर, जिसका स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट्स, BITTER बीटर। एट नंबर, एनिमी, और उसका ऑपोजिट वर्ड में क्या आएगा, फ्रेंड। एनिमी मतलब दुश्मन, और फ्रेंड मतलब दोस्त, और एनिमी का स्पेलिंग NENEMY एनिमी, और फ्रेंड का स्पेलिंग जो आप लोगों को सभी को पता है, FRIEND फ्रेंड। नाइन नंबर, एम्प्टी, और इसका ऑपोजिट वर्ड में क्या आएगा, फुल। एम्प्टी मतलब खाली, और फुल मतलब पूर्ण, तो एम्प्टी का स्पेलिंग क्या है, EMPTY, और फुल का स्पेलिंग FUELL। तो स्टूडेंट्स आपको स्पेलिंग याद रखना है। ओके, टेन नंबर, आर्डली,
और इसका ऑपोजिट में क्या आएगा, लेट। अर्ली मतलब शीघ्र और लेट मतलब देर से। अर्ली का स्पेलिंग ई ए आर एल वाई अर्ली और लेट का स्पेलिंग एल ए टी ई लेट। नेक्स्ट 11 नंबर में क्या लिखा है स्टूडेंट, लास्ट और इसका ऑपोजिट वर्ड में आएगा फास्ट। लास्ट मतलब पीछे, पिछले भी बोल सकते हो आप, और फास्ट मतलब प्रथम। और लास्ट का स्पेलिंग एल ए एस टी और फास्ट का एफ आई आर एस टी। 12 नंबर में क्या लिखा है, ओपन। ओपन का ऑपोजिट में क्या आएगा, क्लोज। क्लोज छोड़ के भी शॉर्ट भी होता है, ओके। और ओपन मतलब खुला हुआ और क्लोज मतलब बंद हुआ। तो ओपन का स्पेलिंग क्या है, ओ पी ई एन, और क्लोज का स्पेलिंग सी एल ओ ए सी, और शॉर्ट भी है जिसका स्पेलिंग है एस एच यू टी, मतलब बंद। 13 नंबर फाउंड, जिसका स्पेलिंग है एफ ओ यू एन डी फाउंड, मतलब मिल गया। और लॉस्ट मतलब खो गया, जिसका स्पेलिंग है एल ओ एस टी लॉस्ट। 14 नंबर विथ इन, उसका ऑपोजिट में आएगा विदाउट। विथ इन मतलब अंदर और विदाउट मतलब के बिना, कुछ वस्तु के बिना, ओके। जिसका स्पेलिंग है विथ इन का डब्ल्यू आई टी एच आई एन विथ इन, और विदाउट डब्ल्यू आई टी एच ओ यू टी विदाउट। 15 नंबर पोर, मतलब गरीब, जिसका स्पेलिंग है पी डब्ल ओ आर पोर, और उसका अपोजिट में आएगा रिच, मतलब धनी, जिसका स्पेलिंग है आर आई सी एच रिच। 16 नंबर देखो, हैप्पी मतलब खुश, जिसका स्पेलिंग है एच ए डबल पी ओ आई हैप्पी, उसका अपोजिट में आएगा सैड, मतलब उदास। सैड का स्पेलिंग एस ए डी सैड। 17 नंबर इन फ्रंट ऑफ, मतलब सामने, जिसका स्पेलिंग लिखा है आई एन एफ आर ओ एन टी ओ एफ इन फ्रंट ऑफ, मतलब सामने। और बिहाइंड, इसका ऑपोजिट में आएगा बिहाइंड बी ई एच आई एन डी बिहाइंड, मतलब पीछे। 18 नंबर बिफोर, इससे पहले, पहले जिसको बिफोर बोलते हैं बी ई एफ ओ आर ए बिफोर, आफ्टर मतलब बाद ए एफ टी ई आर आफ्टर। 19 नंबर हाई मतलब उच्च, एच आई जी एच हाई, लो एल ओ डब्ल्यू, इसका ऑपोजिट वर्ड में आएगा लो एल ओ डब्ल्यू लो मतलब कम। 20 नंबर डे डी ए वाई डे मतलब दिन, इसका ऑपोजिट में आएगा नाइट एन आई जी एच टी नाइट। तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने ऑपोजिट वर्ड सीखा। ऑपोजिट वर्ड बहुत ईजी है और पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो हम लोग नंबर 1 से फिर से एक बार पढ़ लेते, तो आप भी मेरे साथ साथ एक बार पढ़ो। तो स्टूडेंट्स हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट करते, ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ो, ओके। ऑपोजिट वर्ड पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो स्टूडेंट्स नंबर 1 शॉर्ट, इसका ऑपोजिट वर्ड में क्या आएगा, लॉन्ग। 2 नंबर स्मॉल, इसका ऑपोजिट में आएगा बिग। 3 नंबर स्लो, इसका ऑपोजिट में आएगा फास्ट। 4 नंबर नैरो, इसका ऑपोजिट में आएगा ब्रॉड। 5 नंबर सॉफ्ट, इसका ऑपोजिट में आएगा हार्ड। 6 नंबर सैलो, इसका ऑपोजिट में आएगा डीप। 7 नंबर स्वीट, इसका ऑपोजिट वर्ड आएगा बिटर। 8 नंबर एनिमी, इसका ऑपोजिट वर्ड में आएगा फ्रेंड। 9 नंबर एम्प्टी, इसका ऑपोजिट में आएगा फुल। 10 नंबर अर्ली, इसका ऑपोजिट में आएगा लेट। नेक्स्ट नंबर 11 नंबर लास्ट लिखा है, लास्ट का ऑपोजिट में क्या आता है स्टूडेंट्स,
फास्ट। 12 नंबर ओपन, ओपन का ऑपोजिट में क्लोज आता है। 13 नंबर फाउंड, इसका ऑपोजिट में क्या आता है, लॉस्ट। 14 नंबर विथिन, इसका ऑपोजिट में क्या आता है, विदाउट। 15 नंबर पोर, इसका ऑपोजिट में क्या आता है, रिच। 16 नंबर हैप्पी, हैप्पी का ऑपोजिट वर्ड सैड। 17 नंबर इन फ्रंट ऑफ, इसका ऑपोजिट वर्ड बिहाइंड। 18 नंबर बिफोर, इसका ऑपोजिट वर्ड आफ्टर। 19 नंबर हाई, इसका ऑपोजिट वर्ड है लो। एंड लास्ट नंबर 20 नंबर डे लिखा है, इसका ऑपोजिट में आता है नाइट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने दो बार पढ़ लिया है, मतलब आपको अच्छे से आ गया होगा। आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप घर पे रहो और खूब पढ़ाई करते रहो। और मैंने पहले जैसा बोला, स्पेलिंग करके आपको पढ़ना है, स्पेलिंग आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप स्पेलिंग करके पढ़ोगे और स्पेलिंग भी याद रखोगे, और गुड हैंड राइटिंग से आपके पास जो जीके का बुक से आप उसमें पूरा करोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।